Hello, actually, let's read this question. The question says which of the following will be most stable diazonium salt Rn2 plus X minus. Number one पे अलग अलग दिया हुआ है. सबसे पहला मैं लिखना चाहूंगा जो चीज वो मैं लिख देता हूँ, दैट इज की कंसेप्ट. की कंसेप्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ डायजोनियम सॉल्ट. अब जो ये तो सॉरी पहले लिख देते हैं, रिलेटिव ऑफ डायजोनियम सॉल्ट्स. अब देखिए ये तो बहुत ही जनरल स्टेटमेंट हो गया, पर जो मेन क्रक्स है क्वेश्चन का वो है कि जैसे ही रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा आपका कंपाउंड, उसी समय आपका स्टेबिलिटी बढ़ता जाएगा. या एक और चीज हम बता सकते हैं, पहले ये लिख लेते हैं स्टेबिलिटी बढ़ता जाएगा, और ऐसे लिख देते हैं और डायरेक्टली अटैच्ड एल ग्रुप. ये भी एक और एक चीज होता है कि एराइल ग्रुप अगर डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसका स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा हो जाता है. वो बेसिकली उसका रीजन रेजोनेंस से ही राइज करता है, मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं रेजोनेंस के कारण ही उसका भी स्टेबिलिटी ज्यादा है. सबसे पहला पीएच एन टू प्लस एक्स माइनस, इसको ऐसे बना देते हैं पीएच नहीं वर्टिकल बनाते हैं ताकि एक साथ बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बना पाए. एक कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पीएच एन टू प्लस बेसिकली एक्स माइनस. ठीक है, इसका अगर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे हम सपोज ये आपका पहले एक नाइट्रोजन से ये मूव करेगा, इसको सर्कुलर पाथ को छोड़ दीजिए, आप पहले यहाँ पे बनाते हैं. सपोज ये ऐसा गया तो ये एक नाइट्रोजन ये प्लस से मूव करके ये क्या बन जाएगा, एक और नाइट्रोजन, तो ये प्लस नहीं ये माइनस, यहाँ पे एक ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे एक और बॉन्ड, यानी ये प्लस ही होगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा एक और प्लस, और बाकी तो सेम रहेगा जो भी है, मतलब उसके बाद वाला. और फिर से ये कार्बोकैटायन एडजेसेंट टू आपका क्या बोलते हैं इसको डबल बॉन्ड, तो ये फिर से जाएगा, यानी यहाँ पर ये प्लस, यहाँ पर प्लस, और यहाँ पे जो भी सिस्टम है वही रहेगा एन माइनस, ये फिर से जाएगा सिमिलर वे में, ये यहाँ पर गया, यहाँ पर फिर से डबल बॉन्ड एडजेसेंट टू कार्बोकैटायन उसी रूल से, यहाँ पर प्लस एन माइनस, तो ये फिर से वही जाएगा जैसे आपने पहले गया था ये, फिर यहाँ पे बन गया ना एक दो. इवेंचुअली वही आ जाएगा आपका जो पहले वाला था. चार्जेस को भी स्टेबलाइज करके देख सकते हैं, यहाँ पर एक्स माइनस होगा, इसको छोड़ दीजिए आप. तो ये उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, बीच में बहुत सारे आरएस आ रहे हैं, यहाँ पर एरो से भी हम डिनोट कर सकते हैं बहुत कुछ चीज. असली में हमें सब कुछ ऑप्शन में जाना है तो हमें थोड़ा फास्ट करना होगा. तो ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, पहले में बहुत सारा रेजोनेंस है तो ये बहुत ही रेजोनेंस से स्टेबिलाइज्ड है. नेक्स्ट आपका CH3 यानी ये वाला सिस्टम N2+X-, इसमें तो नो रेजोनेंस, तो कोई सा भी कंजुगेशन नहीं बन रहा. अब C और D में भी देख लेते हैं, बीच में C मिथाइल ग्रुप हो
इसमें इन दोनों में भी कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ड्रॉ कर लेते हैं पहले ही। इसमें होता पर इसमें हो सॉरी ये क्या हो गया, इसमें हो सकता था ये वाले ऑप्शन में, पर बीच में आपका CH2 आ गया इसीलिए। क्योंकि बीच में कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जा रहा है CH2 के कारण से, CH2 के कारण से कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जा रहा है इसीलिए यहाँ पे भी नो रेजोनेंस। ऑप्शन डी में भी अगर आप जाएंगे उसमें तो सिर्फ मिथाइल ग्रुप ही अटैच था। हाँ तो CH3N2+ X- यहाँ पे भी कोई भी रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस तो ये वाला BCD इनमें किसमें एक में भी रेजोनेंस नहीं है, सो ये वाले तीनों ही गलत है। सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।